हेलो एवरीवन, तो आज हम देखते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पेंसिल से मेंशन किया है जो कि आपको याद रखने के लिए बहुत इजी होगा। तो गैस्ट्रो से आप याद रख सकते हैं कि अपर पोर्शन लाइक स्टमक एंड ऑल। वैसे तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल का मतलब होता है फ्रॉम माउथ टू एनस जो स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे जो ख़त्म होती है, जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। तो नाम से आप देखिए गैस्ट्रो जिसमें अपर पार्ट भी इन्वॉल्व होगा और इंटेस्टिनल मतलब इंटेस्टाइन नीचे वाला पोर्शन। ऐसे जस्ट ये आप रिमेम्बर के लिए मैंने जस्ट बताया है कि आप ऐसे याद रख सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल से याद रखिए जिसमें अपर पोर्शन भी इन्वॉल्व रहता है, लोअर पोर्शन भी। तो इसमें क्या होगी? ब्लीडिंग। अब कैसे क्या है हम डेफिनेशन देखते हैं इसका, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग इज अ ब्लीडिंग दैट अकर्स एनी वेयर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल को डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोला जाता है। अब उसमें किसी भी पार्ट में कहीं पे भी, मैंने बोला ना कि माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे ख़त्म होता है, जो इसके बीच में कहीं पे भी जो है वो इंजरी होगी, अगर किसी चीज़ की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इस कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक विच रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस, सेम थिंग जो मैंने बताया, ठीक है। अब जो GI ब्लीडिंग हो रही है वो या तो माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग होगी, बहुत थोड़ी भी हो सकती है, टू मैसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा भी ब्लीडिंग हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। अगर मैसिव होगा तो क्या होगा कि प्योर ब्लड, सिर्फ ब्लड ही ब्लड आपको दिखेगा कि प्योर ब्लड निकल रहा है, दैट इज़ मैसिव, बहुत ज़्यादा। देन आ जाता है, अब ब्लड जो है वो किस में प्रेजेंट होगा, या तो वॉमिट के जरिए बाहर आएगा या तो स्टूल, ठीक है, आपके वॉमिट में दिखेगा या फिर स्टूल में ये दिखता है। तो ये जो है विजिबल, या तो विजिबल होगा या कॉल्ट लाइक, या तो आपको वॉमिट में इसमें थोड़ा बहुत दिखाई देगा, या तो वो क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉट टाइप भी हो सकता है, ठीक है। अगर ब्लड ऑकल्ट है मतलब मान लीजिए, तो क्या होता है वो विजिबल नहीं होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आप अगर लेबोरेटरी टेस्ट करवाने जाते हैं, जब हॉस्पिटल्स में आप चेकअप के लिए जाते हैं इसलिए इतने सारे टेस्ट्स होते हैं, तो लेबोरेटरी टेस्ट में पता चलता है कि ओके ऐसा कंडीशन है। क्योंकि अगर मैसिव नहीं है, अगर बहुत थोड़ा अगर कंडीशन है, अगर कंडीशन इतनी सीवियर नहीं है, तो आपको वॉमिट में या फिर स्टूल में पता चल जाता है, ठीक है। बट अगर वो क्रॉनिक कंडीशन हो चुकी है तो वो क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट के ज़रिए ही पता चलती है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने उसके नेम से ही बता दिया था कि अपर एंड लोअर, आप इसे याद रख सकते हैं। तो आपको क्लासिफिकेशन में देखिए इजी होगा, जिसमें अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और लोअर गैस्ट्रो मीन्स अपर पार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, लोअर भी। तो अब अपर जो पार्ट है वो कहाँ से होगा, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेन, ठीक है, ये अफेक्ट होगा। ब्लीडिंग कैन कम्स फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ कॉजिंग पॉइजन्स और स्टमक कैंसर, इसकी वजह से पॉइजन या फिर स्टमक कैंसर भी हो सकता है। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, ईसोफेजियल वेरिसेस एंड मेलोरी विसेस। इन लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग लोअर पार्ट इज इन्वॉल्व, इसमें होगा लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें कंडीशन होगी पॉलिप्स, हेमरॉइड एंड एनल फिशर। एनल फिशर जो होता है ना वो मोस्टली कॉमनली कॉज होता है फॉर द ब्लीडिंग, बिकॉज वो ईजीली लाइक इन स्टूल एंड ऑल इट विल बी विजिबल इन दैट। सो नेक्स्ट वी मूव टू कॉमन कॉजेज, वॉट आर द कॉमन कॉजेज फॉर दैट, इसके कॉजेज हम देखते हैं। द कॉमन कॉजेज आर एनल फिशर विच इज़ वेरी कॉमन, कोलोन पोलिप्स या फिर ट्यूमर की वजह से गैस्ट्राइटिस, हेमोराइड, पेप्टिक अल्सर, मैंने यहाँ टिक किया दैट विल बी ईजी, और ईसोफेजियल बिकॉज वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईसोफेगस, मैंने बोला ईसोफेगस से एनस पे दैट डाइजेस्टिव ट्रैक ख़त्म होता है, तो इसके बीच में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन चीज़ की वजह से आप इसमें आपको जो भी याद रहता है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अदर कॉजेस है मैं वो बताती हूँ, अदर कॉजेस आप देख सकते हैं एंजियोडिप्स, डिसप्लेसिया दैट इज़ एबनॉर्मैलिटीज़ इन द इंटेस्टिनल ब्लड वेसल, अगर इंटेस्टाइन के जो ब्लड वेसल्स है उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी आ गई है, ठीक है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं लाइक हीमोफीलिया, ब्लीडिंग डाइवर्टिकुलम होगा, फिर सीलिक डिजीज़ या फिर डिसेंट्री की वजह से इन्फ्लामेशन, बोवल डिजीज़, मेडिकेशन के इफेक्ट, अगर किसी किसी को किसी ड्रग या फिर लाइक मेडिकेशन से एलर्जी भी हो सकती है, उस चीज़ की वजह से भी हो सकता है, और नोज ब्लीड में भी एक कॉमन कॉज हो सकता है, अगर एक्सेस ब्लीडिंग होगी तो ऑब्वियसली इट विल कॉज क्रॉनिक कंडीशन। तो ये है कॉमन कॉजेस। नेक्स्ट विल सी कि सीरियस कंडीशन जो है लाइक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉज क्या हो सकता है,
कोलोरेक्टल या फिर एनल कैंसर के वजह से, ईसोफेजियल कैंसर, ईसोफेजियल वेरिसिस, इंटरनल इंजरी फ्रॉम ट्रॉमा, ट्रॉमा की वजह से अगर इंटरनल इंजरी अगर हो जाती है तो बेसिकली वो हमें पता नहीं चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं होने के। देन आता है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर के वजह से या फिर स्टमक कैंसर, दीज आर द मेन कॉजेस। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग, ऑब्वियसली अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो स्टमक पेन वगैरह फील होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा अगर सीवियर हो रहा है तो चेकअप करवाना चाहिए। एब्डोमिनल स्वेलिंग, ब्लड स्ट्रिक्ट स्टूल, ब्लडी स्टूल, या फिर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, रेक्टल ब्लीडिंग, वॉमिटिंग ब्लड, अगर ब्लड आ रहा है या फिर ब्लैक मटेरियल आपको कुछ रिजेंबल हो रहा है लाइक कॉफ़ी टाइप का वॉमिटिंग, तो आपको सीरियसली जाके चेकअप करवाना चाहिए। विल सी सम अदर कॉजेस, कि अदर कॉजेस क्या हो सकते हैं, दैट इज डिजीनेस, पेंटिंग, पेटेगी, फिटीग, देन फीवर, पेल स्किन, पैलर कहते हैं उसे, पेल स्किन लाइक येलोइश स्किन हो जाती है वीकनेस के वजह से, ठीक है। तो ये है कुछ सीरियस सिम्टम्स, काइंड ऑफ सेम ओनली। अब मैं एक टेबल आपको शो करती हूँ, और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वही उस टेबल में है, जस्ट पॉसिबल कॉजेस कैन सिम्टम्स, तो आप अगर देखना चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं। बट अगर आप जस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है MSN के पेपर में, तो आप जस्ट सिम्टम्स अगर आपको बहुत ज़्यादा याद रहे तो अच्छे से आप 10, 11, 12 आपको याद जितना रहता है वो सिर्फ मेंशन कर दीजिए, दैट विल बी इनफ। अब हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है। सो द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यहाँ देख सकते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो बहुत ही कॉमन एंड इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल सिटी स्कैन, एब्डोमिनल MRI, एक्सरे, एंजियोग्राफी, ब्लीडिंग स्कैन, कैप्सूल एंडोस्कोप, यहाँ पे क्या होता है, कैमरा पिल दैट स्वॉलन टू लुक एट द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या होता है, एक पिल होता है कैमरा टाइप का जो जिसके वजह से क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को देख सकते हैं जो कि स्वॉलन है। देन कोलोनोस्कोपी, ऑब्वियसली कोलोन में होगा। कंप्लीट ब्लड काउंट दैट इज CBC, क्लॉटिंग टेस्ट, प्लेटलेट काउंट देखते हैं, अदर लेबोरेटरी टेस्ट जो भी अवेलेबल है, ब्लड टेस्ट वगैरह वो सब। ये हो गया डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट मैं आपको मैनेजमेंट बताती हूँ, आप वहाँ पॉज करके लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूँगी, आप इसके जो है अपने खुद के शॉर्ट पॉइंट्स बना सकते हैं। सो हेयर इज़ द मैनेजमेंट, ठीक है, किसका गोल क्या है, मेनली जो प्रॉब्लम है वही इसको क्योर करने के लिए हमारा गोल होगा, टू ट्रीट द मैसिव GI ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट, टू ट्रीट द हाइपोवॉल्मिक शॉक, ठीक, इससे क्या होता है, एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन कंडीशन को ठीक करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो चुका है उसको दोबारा से बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एयरवे, और पेशेंट इज कैप्ट, इसमें क्या है, पेशेंट को रखा जाता है नथिंग बाय माउथ, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जो होता है वो NPO किया जाता है कि माउथ से कुछ भी लेना नहीं है, उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा म्यूकोसल लाइनिंग में इरिटेशन वगैरह होती है। देन ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, इफ़ द पेशेंट हैज़ लॉस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है तो वहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, मैं आपको बहुत ईजी से जो पॉइंट्स हो सकते हैं ना, जो आप पॉइंट्स बना सकते हैं, मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको कुछ और पॉइंट्स लिखने हैं इसमें से तो आप खुद के पॉइंट्स बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं उसमें, मैं बस इजी वाले बता रही हूँ, सारे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बेड एलिवेटेड, यहाँ पे क्या है, कंफर्टेबल पोजीशन देने के लिए बेड को जो है, बेड को एलिवेट किया जाता है, ऊपर की तरफ उसे उठाया जाता है, मतलब हेड जो है वो रेस किया जाएगा। देन कंप्लीट ब्लड काउंट इज ऑब्टेन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस हुआ है वो जानने के लिए CBC टेस्ट करते हैं। देन यूरिन कैथेटर इज इंसर्टेड टू मॉनिटर आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि कितना अंदर लिया है वो ही कितना बाहर आया वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइक मान लीजिए कि 1200 अगर अंदर जा रहा है और 1500 या 1300 बाहर आ रहा है, दैट इज़ नेगेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यूरिन कैथेटर यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा आउटपुट आ रहा है, दैट इज़ नॉट गुड कंडीशन, ओके, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। अब हम देखते हैं क्या हो सकता है, NG ट्यूब, ठीक है, NG ट्यूब फीडिंग भी कर सकते हैं, दैट इज़ नैसोगैस्ट्रिक। देन रेट ऑफ ब्लीडिंग असेस करना है कि जो ब्लीडिंग है वो कितना है, उसका रेट क्या है,
वो सब पता होना बहुत ज़रूरी है। देन उसका पीएच लेवल, एंडोस्कोपी प्रोवाइड करना, वाइटल साइन, आईवी फ्लूइड्स एंड ब्लड वगैरह देखना, ट्रांसफ्यूजन। देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकता है आपको, मेडिकेशन अगर याद है तो आप मेडिकेशन मेंशन करेंगे, दैट इज़ वो बहुत अच्छा होगा। लाइक ओमाप्रिजॉल, पेंटाप्रिजॉल, एंटीबायोटिक थेरेपीज दे सकते हैं, देन प्रोटोन पम्प इनहिबिटर, ठीक है। इससे क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड जो होती है ना, जो प्रोड्यूस हो रही है, वो उसका प्रोडक्शन जो है उसको कम करने में हेल्प करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो हीलिंग हो रही है, अगर गैसो इंटेस्टाइनल ट्रैक में ब्लीडिंग जो हो रही है ना, उसको हील करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। देन नेक्स्ट, इसके लिए जो भी प्रोसीजर या फिर जो सर्जरी वगैरह अवेलेबल है ट्रीटमेंट, वो भी आप इसमें, ये जो आपका मैनेजमेंट है ना, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ब्लीडिंग इंक्लूड्स क्या है इसमें, दैट ब्लीडिंग इंक्लूड्स कोलोनोस्कोपी, ठीक है। इसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोलोनोस्कोपी, जो हमने पहले भी डायग्नोस्टिक वगैरह में देखा है, वो लिख सकते हैं। एंजियोग्राफी, देन एंडोस्कोपी, ये सब दैट इज़ ट्रीटमेंट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट गैसो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो ये है, अगर आप इसमें नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। यही है मैनेजमेंट। अगर आप इसको डिफरेंट बताना चाहते हैं, लाइक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है वो डिफरेंट, दे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है डिफरेंट, लाइक यहाँ पे हमने फार्मा का बताया, ये ऊपर जो भी है ये नर्सिंग मैनेजमेंट है। आप ये सब बता सकते हैं अलग अलग भी, या फिर आपको एक ही साथ बताना है तो वो भी, बट आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye-bye.